अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रर पाकिस्तान। पाकिस्तान में जब इतने कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस, बस पिछले कम से कम दो तो बहुत कंट्रोवर्शियल थे, पहले भी कंट्रोवर्शियल होते रहे, तो जब उस ज़ुमरे में आप देखें कि ज़िमनी इलेक्शंस का, तो ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहा जाता है कि अच्छा जी, अब देखते हैं कि कितने पानी में वो पार्टी थी जो कह रही थी हम जीत रहे हैं, कितने पानी में वो पार्टी है जो हुकूमत में है, और ये एग्जिट पोल्स नुमा चीज़ हो जाती है। तो आज पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन जो है 16 हुए हैं प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स पर और 5 हुए हैं नेशनल असम्बली की सीट्स पर। ज़्यादा हुए हैं तो पंजाब में हुए हैं, मेजॉरिटी 12 प्रोविंशियल हुए पंजाब में। जो दिलचस्प बात है कि इसमें अहम लोग थे जिन्होंने अपनी सीट छोड़ी हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके, और एक और दिलचस्प जो हमें लगता है कि इस वक्त है मुकाबला, वो है परवेज़ इलाही साहब और उनके अपने जो भतीजे बने उनके, वजाहत साहब के बेटे मूसा इलाही और ख़ुद परवेज़ इलाही साहब जेल से उन्होंने कंटेस्ट किया। याद रहे कि परवेज़ इलाही साहब एज वी स्पीक इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये तमाम मामलात हैं, इनके जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की हैं उनकी जो सीट है उस पर भी एक सख्त मुकाबला हो रहा है, और ये जो हमने जिक्र किया, एक्चुअली गुजरात वाली सीट पे सख्त मुकाबला नहीं हो रहा, जो रिजल्ट्स आए हैं अभी तक उसमें तो शायद 4,000 परवेज़ इलाही साहब को मिले और 11,000 जो हैं वो मूसा जो हुसैन है उनको मिले हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों पर देखते हैं कि क्या इसका मतलब क्या, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, और जो सिटिंग गवर्नमेंट्स हैं वो और जो मेन ऑपोजिशन है पीटीआई, उस हवाले से क्या हमें इंडिकेशंस मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर एंकर, अपना प्रोग्राम करते हैं टीवी पे भी और यूट्यूब भी चैनल का अपना, शौकत पराचा। वेरी वार्म वेलकम शौकत, काफ़ी देर बाद हैं, अरसे के बाद नहीं, बस मेरी गलती है, लेकिन हम तो आपको बुलाते हैं, आप उधर भी नहीं आते, बिल्कुल आएंगे आप तो, यू आर सेटलिंग ऑल द स्कोर्स, कल आएंगे इंशाल्लाह। शौकत पराचा साहब नाज़रीन एनालिस्ट एंकर, और बड़ी इनकी नजर है पॉलिटिक्स पे, पंजाब की पॉलिटिक्स पे, जैसे मतीउल्लाह इज इन सम वेज हमें लगता है लास्ट वर्ड, जब ये आप जुडिशरी पे बात करें तो ये काफ़ी जो शौकत हैं ये बड़ा पंजाब पर इनकी नज़र होती है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, पंजाब पर ख़ास तौर पे अपना प्रोग्राम करते हैं। ऑफ़ कोर्स रूबरू आज न्यूज़ पे, बहुत शुक्रिया शौकत, आपने मुझे थोड़ा सा अब वीक पोजीशन में डाल दी, शिकायत बड़ी करके मेरे से। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं नाज़रीन, सीनियर एनालिस्ट, रिपोर्ट कार्ड में आते हैं, कॉलम लिखते हैं, अपना वीलॉग करते हैं, बहुत शुक्रिया हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। मोहम्मद मालिक साहब भी हमें शॉर्टली ज्वाइन करेंगे। मती, ये क्या इलेक्शन का जो अभी तक कुछ ट्रेंड आ रहे हैं? इलेक्शन के जो ट्रेंड आ रहे हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए शायद इतना बड़ा चैलेंज नहीं था जितना हुक्मरान जमात के लिए था, बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद के लिए था, क्योंकि अगर बाई इलेक्शन में एक हुक्मरान इत्तेहाद जिसको अभी 2 महीने तकरीबन हुए हुकूमत में आए हुए और वो हार जाते हैं, और ख़ास तौर पर जो अहम सीटें हैं जैसे मरियम नवाज की छोड़ी हुई सीट है, अगर वहाँ से अगर नून लीग हार जाती है तो फिर ऑब्वियसली ये बड़ी एम्बेरसमेंट होगी, और ये उन इल्ज़ामात, उन खदशात को ये चीज़ तकवीत देगी कि जिनके मुताबिक ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन हैं उसमें नतज को तब्दील किया गया, या फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 पे इलेक्शन का नतज बनाए गए, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हुक्मरान इत्तेहाद के लिए भी। मगर ये क्योंकि एक बैरोमीटर भी है, एक किस्म का, जैसे आपने खुद कहा, ये एक किस्म के एग्जिट पोल हो जाते हैं, और ये यकीनी तौर पे एग्जिट पोल इसलिए भी है कि इसमें हुक्मरान इत्तेहाद की ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, इलेक्शन कमीशन ने जो कंडक्ट है उसका, और इस्टेब्लिशमेंट की जो ताकत है, उन सब का इम्तहान है। बदकिस्मती से ये सिर्फ आइनी इदारों का ही नहीं बल्कि गैर आइनी कुव्वतों का भी इम्तहान है जो कुछ इस मुल्क में हम देख रहे हैं पिछले चंद माह से। तो इसलिए ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो गए, और इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट कानूनी पहलू ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अगर कोई एक बंदा भी जीत के कौमी असम्बली में आ जाता है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्लिमानी पार्टी बन जाएगी, क्योंकि इससे पहले यही एतराज़ था कि एक बंदा भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट से ना तो लड़ा ना जीत के आया है
तो इसलिए पार्लिमानी पार्टी का इसको स्टेटस नहीं मिलेगा। लेकिन उस पार्लिमानी पार्टी की भी खैर इतनी अहमियत इसलिए नहीं होगी कि ये वो पार्लिमानी पार्टी नहीं होगी कि जिसमें तमाम जो अभी सुन्नी इत्तेहाद के अपने आप को कहते हैं वो उनको ज्वाइन कर सकेंगे, क्योंकि वो पहले इलेक्शन में 3 दिन का जो टाइम था वो तो अब गुजर चुका। तो अब महज एक या दो जितने भी इलेक्ट होके आएंगे वही होंगे, या फिर कोई अगर नया आजाद जो है 5 में से कोई आता है नहीं ज्वाइन करता है वो होगा। तो एक कानूनी एतबार से भी एक इंटरेस्टिंग पोजीशन हो सकती है, इंटरेस्टिंग पोजीशन हो सकती है। जी शौकत, थोड़ा सा शौकत ये बयान कर दें नाज़रीन को कि आज कुछ ऐसी भी मामलात हुए जहाँ के फॉर्म 45 साइन करके बैठ गए एक जगह प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने कहा जी टाइम बचाने के लिए हमने ये किया है। एक और जगह कोई मेरा ख्याल है अगवा हो गए हैं कोई बंगाल में बलोचिस्तान में जी अब्दुल्ला जी जी बहुत दूर ना। और फिर एक तो जो PMLN के वर्कर उनकी डेथ भी होगी, वेरी अनफॉर्चुनेट ना, वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए मैं ज़रा ब्रॉडर बात करना चाह रहा हूँ जिस बारे में आपने कहा। फॉर एग्जांपल मुझे याद है 88 का इलेक्शन हुआ था, पीपल्स पार्टी जीत गई, लेकिन 3 दिन के बाद जब वो प्रोवेंशियल असेंबली वाले इलेक्शन हुए तो उसमें हार गए थे, बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन आज ना, आज सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है, स्पेशली ये जो फरवरी के बाद अब अप्रैल में बाई इलेक्शन हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जितना भी आज आप क्रेडिबल इलेक्शन करवा लें, जितना भी आप इम्पार्शल ले रहे हैं, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की बात की, उनका इम्तिहान है, गवर्नमेंट का इम्तिहान है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारा इम्तिहान है, पाकिस्तान की सोसाइटी का इम्तिहान है। आज जितना आप मर्जी इलेक्शन इम्पार्शल करा लें, हारने वाला कहेगा वही 45 फॉर्म और 47 फॉर्म। हारने वाला आज कम अज़ कम कभी नहीं मानेगा कि मैं हार गया हूँ। यानी आपने गुजरात की बात की, वो दिन में मोना सिलाई का ट्वीट आ गया बाहर से बैठ के कि देखें, आकर देखें हमारे हलके में कितनी धांधली हो रही है। तो जब इस तरह की आप बात करें, कोनोटेशन उसकी यही होती है जो 4,000 आपने बताया, 11,000 उधर से बताया, इक्का दुक्का वायलेंस। ये तो फिर भी बड़े इलेक्शन है प्रोवेंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के, चाहे दो हलके हों या जितने भी लोकल बॉडीज, याद है KP में कितने बंदे मारे गए थे अनफॉर्चुनेटली। लिहाजा वो जो एक डेथ हो गई PMLN वाली, वो भी कह रहे थे वो बंदा बलूचिस्तान में अगवा हो गया, लेकिन उससे बढ़ के जो असल थीम है कि प्रैक्टिकली मेरे लिए इन इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं है। मसलन अली परवेज साहब जीत के आ जाएंगे, अली परवेज साहब एक नशिस्त उनकी आगे बढ़ जाएगी PMLN की, लेकिन असल मसला जो हमारे यहाँ बना है वो जो हार रहे हैं आज वो नहीं तस्लीम कर रहे। मैं तीन चार बजे मोना सिलाई का ट्वीट आ गया भाई, उस वक्त क्या है जो दूसरा 45 वाला फार्म होता है, मसलन जब इलेक्शन होता है तो यहीं करीब ही पहाड़ों के पार छोटा सा एक गांव है, छोटी यूनियन काउंसिल है, वो 12 बजे रिजल्ट बन जाता है। मेरे पास रिजल्ट 2 बार आया है, यानी 2018-2013 का रिजल्ट, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो कदगन होती है कि आपने पहले नहीं चलाना, इसलिए। तो जिसने 45 फॉर्म बनाया है, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम जिस कॉन्टेक्स्ट में आज की बात कर रहे हैं, हम 2018 भी देखते हैं या बाई इलेक्शन भी देखते हैं, वो डस्का वाला बाई इलेक्शन था, धुंध पड़ गई थी, शुक्र है आज धुंध नहीं पड़ी। तो जब तक हम कम अज कम किसी डायरेक्शन में नहीं जाते विच इज़ 100% क्रेडिबिलिटी ना इंडियन इलेक्शन की होती है ना US इलेक्शन की होती है, आपसे बेहतर कौन जानता है इस चीज़ को, लेकिन कम अज़ कम एक रिलेटिव डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए, कबूलियत आ जाए, किसी हद तक उसको कबूल कर लिया जाए, थोड़ा बहुत मार्जिन रहे। मसलन 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, मैं नहीं कहता कि 100% वो क्लियर थे, ट्रांसपेरेंट थे, बट ये जो 18 और 24 का जो कंट्रोवर्सीज आई इससे वो बेहतर थे। तो ये 12 सीटें पंजाब की, सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर वो पहले भी नहीं हारने वाले थे मियां साहब की अपनी सीट पे, मरियम नवाज शरीफ की जगह पे जो लड़ रहे हैं वो भी हारने वाले नहीं है। गुजरात का रिजल्ट आ गया, वो एक लगारी साहब लड़ रहे हैं वहाँ उधर से साउथ पंजाब से, वो भी हारने वाले नहीं है। देखे ना, जो एक्सेप्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मसलन पहले दिन जब आसवा भुट्टो जरदारी हल्फ लेने के लिए आई, ओहो शोर मचाया गया, इतना शोर मचाया गया कि जी इन्होंने हमारे बंदे को वो अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए। क्या आप जीत सकते थे आसफा भुट्टो दरदारी से? नो,
एन ए 196 लड़काना था और वो शहदादपुर कश्मोर वाली सीट थी, आपका तो कोई बंदा ही नहीं था। तो ये जब आपने ग्राउंड बनाई है कि जो है वो जो भी जीतेगा वो धांधली से जीतो हारेगा धांधली से हारेगा, ये इससे इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी या क्रेडिबिलिटी, वो आज का है जो पिछला इलेक्शन है, वो सीरियसली उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो रही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजीन, आप बताइएगा, हफीजुल्ला नाइज साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप ये गुफ्तगू सुन रहे थे, एक ब्रॉड जो आज के इलेक्शन के हवाले से आपका क्या कमेंट होगा जो अब तक खबरें आ रही हैं? एक क्राइसिस ये है कि अभी जो कुछ मैं सुन रहा था, मेरा ख्याल है कि ये सच ही यही है, इसमें दो राय नहीं है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सियासत के अंदर हमने सबकी एक स्टेटेड पोजीशन है। पीटीआई की स्टेटेड पोजीशन ये है कि उन्होंने रिगार्डलेस ऑफ द ग्राउंड रियलिटी एक नैरेटिव देना है। नैरेटिव देने में उनको बारहा बार बार इतनी पिजराई मिल चुकी है, उनके हर गलत तो सच और 90% मेरे तक ख्याल है कि जो मेरी अपनी जाती राय के झूठ होता है, लेकिन उसको पेशा कोई बंदा उसको क्वेश्चन करने की तैयारी पीटीआई। अच्छा, सुबह मैं पीटीआई के बहुत सारे दोस्त मेरे पास बैठे थे और आए हुए थे और ये गपशप लग रही थी, लाहौरी के लोग थे और लाहौर के अंदर चूंकि खासी आज इलेक्शन गहमा गहमी है, और फिर हमने दो चार जगह पे गए जहाँ पे अच्छे खासे बड़े क्राउड थे और सारे जिसको कहना हमारी मीडिया के भी चीधा चीधा लोग वहां मौजूद थे, हमारे सीनियर्स भी है सारा, तो वहां पर इलेक्शन डिस्कस होता रहा। तो एक मैंने देखा कि एक उनके अंदर पीटीआई के लोग जो थे अभी 10-11 बजे सुबह ये बता रहे थे कि जी धांधली तो हो चुकी है। अब अभी आपने एक पासिंग रिमार्क दिया है कि कहीं पे फॉर्म 45 का जिक्र हुआ है, अब ये हकीकत है कि मैं भी देख के दंग रह गया, लेकिन ये कितना को हुआ है? मतलब आप एक पोलिंग एनए का जो है वहां पे तकरीबन कोई 400 के करीब पोलिंग स्टेशन है, 450 है और तकरीबन इतने ही 250-300 जो है पीपी के हैं, तो उसमें से अगर एक पोलिंग स्टेशन के अंदर यह शिकायत आई है, डेफिनेटली आई, इससे ज्यादा भी आ सकती है और आती रहती है और आनी चाहिए, क्योंकि एक जब नीचे ट्रांसलेट होता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो हर जगह बिहेव करेंगे डिफरेंटली। प्रिजाइडिंग ऑफिसर 99.9% वो एक खास थिंकिंग लोग होते हैं। जब कराची में कहते थे कि जी कराची एक्ट को नहीं लगाया जाता, लगाएंगे, क्यों नहीं कहते थे कि एमपीएम के अस्पताल में सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हुआ करते थे? अगर आप रिकॉल करें, याद है आपको जो कहते थे कि बहर से सिंध से कराची के प्रिजाइडिंग ऑफिसर आनी चाहिए? अच्छा, इसी तरीके सिंध के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो पीपी को बहुत वो करते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर मिक्सचर है। मैंने जो देखे मियांवाली के इलेक्शन में 90% प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे तरीके साहब को सपोर्ट कर रहे थे, उसकी जेन्युइन रीजन है, ये नहीं कि वो दादानी कर रहे थे, वही के उस टीचर होते हैं प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल के उसी शहर के होते हैं। अगर उन्होंने 2 लाख या 2.5 लाख वोट देकर रिकॉर्ड कैम किया इमरान खान साहब को, तो इसमें कौन सा कोई ऐसी कोई बड़ी अनहोनी हो गई कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उनको सपोर्ट नहीं किया? देखा, रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये अलग फर्क फर्क चीज है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ना, आपने जितने पोलिंग स्टेशन है उसमें कई दफा तो मेरा ख्याल है कि 2-2, 3-3 होते हैं, क्योंकि उसमें औरतों का भी होता है मर्दों का भी होता है, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको इधर रिकॉल करें, 2022 में 20 सीट का इलेक्शन हुआ, अब आप अंदाजा लगाएं कि, और मुझे मैं समझता हूं कि ये तकलीफ देह बात है कि इमरान खान साहब ने शोर मचा दिया और जब इलेक्शन के रिजल्ट सारे के सारे उनका बहुत फेवरेबल आया और 20 में से 15-16 सीट उन्होंने जीत ली, जो कि उनके सारे कैंडिडेट उन्हीं के थे और जो डिफेक्ट कर गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आईन को रीडिफाइन करके इलेक्शन करवाया था, जो कि चलो जैसे तैसे हो गया, और फिर तरीके साहब का जीतना जो है वो एक बड़ा इवेंट था, कि उससे पहले तरीके साहब कोई जिमनी इलेक्शन नहीं जीत रही थी दिसंबर 2021 तक, 2013 की से मैं बात कर रहा हूं, मतलब पिछले 7-8 साल 9 सालों में तरीके साहब कोई इलेक्शन नहीं जीत। लेकिन अच्छा, अब मैं उसमें थोड़ा वाइंड अप कर लूं, तो उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा, जब भी वो अगले दो चार महीने के करते थे तो एक बात कहते थे, बेईमानी करने के बावजूद हम जीत गए, यानी कि उन्होंने उस नैरेटिव को भी नहीं गिव अप किया बेईमानी वाला जो उन्होंने इलेक्शन से पहले एक क्रिएट किया था, उसको लेके चलते रहेंगे। उसके बाद भी
उसके साथ चलते रहे थे। अब सुबह भी तरीके साहब वाले यही कह रहे थे जी कि इन्होंने, उनका तो कहना यह था कि ये तो बक्से जो आज काउंट होने हैं वो फर्क जगह पड़े हैं। अब अगर इतना ही हो गया कि मैं भी पूरे जिंदगी जो मेरे बाप चाचा दादा सारे इलेक्शन लड़ते रहे देखते रहे, वो ऐसी अनहोनी नहीं होती। ये वो थोड़ा सा ये एक वो मैं कर दूं, मेरे ख्याल में राय साहब ने जो कहा है कि 77 का इलेक्शन उसमें 10 जब जो है मार्च को हुए थे इलेक्शन सुबाई, तो पीएनए ने बायकॉट कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि 7 मार्च को जो पीएस पार्टी जीती थी भुट्टो साहब की क्यादत में उसमें धांधली हुई है, तो उसमें वो हारे नहीं थे पीएस पार्टी वाले, उन्होंने बायकॉट कर दिया था प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन में। तो ये मेरा ख्याल है कि दैट्स अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। एक कमेंट रह गया जी बस, इलेक्शन के अंदर चूंकि मैं प्रैक्टिकली 2-3 में पार्टिसिपेट इस तरह किया कि इमरान खान साहब का 2002 का इलेक्शन जो है जो वाइस सीट जीती थी वो सारा मैंने ही, उसका मैनेजर था ये पूरा साल जाकर ऑर्गेनाइज किया, और फिर मेरे भाई चचा लड़ते रहे। इलेक्शन के इतनी र्यूमर्स आती है, फला जगह बंदूकें निकल आई, हम धड़ा धड़ा 2 बसें भर के एक कैंडिडेट ध्यातों में बात करूं एक कैंडिडेट की तरफ जा रहा है जी, फला गांव के अंदर जी लड़ाई होने वाली है, लेकिन यही चलू ब्रेक पे जाने से पहले कि अगर आज सब कह रहे होते कि बहुत ही जबरदस्त ईमानदार तरीके से इलेक्शन हुआ है, और अगर सब कह रहे होते कि 2024 के बहुत जबरदस्त फरवरी में इलेक्शन हुए थे इतने ईमानदार, और अगर हम सब ये बैठ के मान रहे होते तो फिर हम बहुत गलत कर रहे होते, क्योंकि इलेक्शन में लंबी धांधली हुई है फरवरी के इलेक्शन में। तो आज जो सवाल लोग उठा रहे हैं, और पीटीआई अपनी सियासत में झूठ बोलना और झूठ सच मिलाना और आगे ले आना उसको, झूठ को सच, वो अपनी जगह बात है, लेकिन इलेक्शन की इस हद तक उनके हैव बीन क्वेश्चनेबल कि पीएमएलएन के एक बड़े सीनियर लीडर ने हमसे कहा कि हमें तो लगता है कि जुडिशियल कमीशन 45 और 47 फॉर्म पे बन जाना चाहिए ताकि जो क्राइसिस है ये कहीं जाके खत्म हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी कुछ ही देर में इलेक्शन के रिजल्ट ज्यादा क्लियरली आने शुरू हो जाएंगे। ये बताएं जरा आप शौकत, जो भी तक रिजल्ट्स आ रहे हैं, एनी सरप्राइज? नहीं, मेरे लिए तो सरप्राइज नहीं है, क्योंकि डीआई खान में पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल अमीन खान गंडापुर जीत रहे हैं, तो ये अली अमीन खान गंडापुर ने सीट जीती थी, अब वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी हैं, प्लस अली अमीन खान गंडापुर को वोट तो डीआई खान में मिलता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी गुजरात वाला इलेक्शन आपके सामने है दोनों सीट्स पे, उस पर तबसरा अभी मत ही करेंगे। अच्छा, वो भी आपके सामने है, फिर कसूर वाला भी जो रशीद खान जीत रहे हैं जी जी। वो पहले भी जीतते रहे हैं, कोई मुझे उसमें कोई खास उसमें नहीं आ रहा, और 196 जो एनए 196 सिंध का रिजल्ट है वो यही रिजल्ट आना था, वो पीपल्स पार्टी की सीट है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस सीट पे जीते थे, अब पीपल्स पार्टी के जुनेजो साहब, खुर्शीद जुनेजो साहब जीत रहे हैं 900 वोट जी जी। तो वहाँ मैं तो पहले ही आपसे गुजारिश कर गया कि आसफा भुट्टो जरदारी का जब हल्फ था, इन्होंने शोर मचाया कि हमारे बंदे को इन्होंने उठा लिया था या उसको लड़ने नहीं दिया गया, तो आप कौन सा वहाँ जीत रहे थे सिंध में जाकर? अरबाब गुलाम रहीम को लगाया था एडवाइज़र बना कर के वो पीटीआई को वहाँ फंक्शनल करेंगे या फैलाएंगे, खुद अरबाब साहब भी इस बार हार गए, और वो भी एक हमारे जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के उम्मीदवार थे जो जनरल नशिस्त पे लड़ रहे थे उनसे हार गए वो, तो लिहाजा मेरे लिए कोई ऐसा सरप्राइज नहीं। मती आप बताए ना, ये जो गुजरात पे जरा तबसरा करें, परवेज अलाई साहब वाला मूसा जी और मूसा, ये बड़ा ही मैं समझता हूँ काफी मार्जिन है जो आप बता जी, रहे थे, शायद काफी डिफरेंस से हारे 40,000 वर्सेस पता नहीं 9,000। हाँ एग्जैक्टली, तो ये बड़ा शायद एक मैसेज भी है, और या तो वो एक जेन्युइन मैसेज है या मैसेज दिया गया है कि अभी पीटीआई के अंदर या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है क्योंकि जैसा कि प्राचा बता रहे थे कि अली अमीन गंडापुर की सीट तो अंडरस्टैंडेबल है खैबर पख्तूनख्वा में, मगर पंजाब के अंदर जो एक वो बहस चल रही थी कि शायद बहुत ही
सप्रेस किया गया है नतज को जिस तरीके से, तो वो उस बहस को भी एक किस्म का काउंटर किया गया है गुजरात के इलेक्शन के नतज के जरिए। और परवेज अलाई साहब, हाँ परवेज अलाई साहब सदर पीटीआई के सदर हैं, कोई मजाक नहीं है तरीके इंसाफ के, तो अगर वो जीत जाते क्या तो मतलब, मजाक नहीं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब बड़ा एक टॉप का ओहदा है पीटीआई, लेकिन वो मतलब असल में सदर तो चेयरमैन भी सदर भी दोनों जो भी हैं जो रहनुमा है वो जेल में है ना, इमरान खान भी जेल में है तो वो भी जेल में सदर है, लेकिन वैसे उनका उनका हारना कोई मानता नहीं उनको ना, असल में ये कह रही हूँ। वो तो शायद नतीजे भी कोई ना माने, वो तो बात वही है, लेकिन मुनस तो जीत रहे हैं। मुनस देख लें, मुनस लाई तो जीत रहे हैं, वो भी तो पीटीआई, और वो ऐसे बाहर बैठ के देखें उन्होंने, वो यंग भी हैं माशाल्लाह से, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो परवेज अलाई साहब तो उधर रखते हैं ना। अब ये देखें ना, अब आई डोंट नो मुनस अलाई को आप ज़्यादा अहमियत देना चाहे वो भी दे सकते हैं, मगर मेरे नज़दीक परवेज अलाई साहब की हार और इतने मार्जिन से जो हार है ये बड़ा ही इसके अंदर एक मैसेज है। ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद नए साहब के पास जाएंगे, लेकिन शौकत वेरी क्विकली योर कमेंट, अगर आप दोनों को देखें, अगर ये है कि जी मैसेज देना था पीटीआई को तो मुनस अलाई तो पीटीआई है और वो परवेज अलाई एक तो अभी अभी रिजल्ट पूरा नहीं आया और अभी जितना प्रिलिमिनरी जो सामने आई है चीजें बड़ा नेक टू नेक है, तो सो फार मैं ये नहीं कह सकता मुनस भी घर चल रहा है क्योंकि 1000 और 900 का अभी जो डिफरेंस आपने बताया था। दूसरा परवेज अलाई वाला है, परवेज अलाई की ना कैंपेन चली वहां पर ना परवेज अलाई, लेकिन बाकी तो है ना, गवर्नमेंट तो है ना सर, साले हुसैन किसी की भी नहीं चली, नहीं साले हुसैन साहब जो हैं वो मिनिस्टर हैं वो तो, और कैंपेन किसी की भी नहीं चली ना, और कोई जीत भी नहीं रहा ना फिर, इसीलिए सिर्फ एक सीट जो डीआई खान वाली है उस पे जीत रहे हैं, बाकी तो मुझे कोई जीतता हुआ नहीं नजर आ रहा। अली परवेज मलिक फर्ज किया लाहौर से जीतते हैं तो उन्हीं की अपनी सीट है वो वाली, हाँ मतलब कि ऐसे अपसेट नहीं नजर आ रहा ऐसे ऐसे। अब पता नहीं किसको अपसेट कहें किसको सेट कहें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद किसको तब क्या है अपसेट क्या है, किसको अपसेट कहें किसको सेट कहें। वेलकम बैक नाजीन, अब चलते हैं हम हफीजुल्ला न्याजी साहब के पास। न्याजी साहब आप ये बातचीत तो सुन रहे थे इलेक्शंस के हवाले से और कि ये जो एक्सपेक्टेड है वही हुआ है, मेरा ख्याल है कि अगर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो जिस मुतवक्के था वही हुआ है। मेरा नहीं ख्याल से, मैं तो जूनियर इलेक्शन के अंदर इतनी इवेंचुअलिटी देख चुका हूँ, 2013 में इमरान खान साहब मियां वाली की जब सीट हार सकते हैं जी, 2013 के जब उन्होंने खाली की, उन्होंने कुछ 4 सीट खाली की, 2018 से लेके 2021 तक इमरान खान साहब एक इलेक्शन नहीं जीत सके थे, हालांकि उस वक्त इसी तरीके से 2018 का इलेक्शन मेरे लिए बड़ा अहम है, कतई नजर इसके एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है पाकिस्तान में, और जो शौकत पराज साहब ने अपने पहले जो उसमें से उस सेगमेंट में कहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर हमेशा से एक हर इलेक्शन के ऊपर उंगली उठती है और वो आप कुछ कर ले। मैं तो मेरे घर के अंदर मेरा सगा भाई जब वो 1997 के अंदर 50,000 वोट से डॉक्टर शरीफगंज से जीता तो डॉक्टर शरीफगंज साहब मुझे कहते थे कि जी उसके बक्से भरे गए हैं, फिर 2002 में जब वो हारा तो कहता था कि मेरे मुखालिफ के डॉक्टर शरीफगंज साहब के मुशरफ साहब ने बक्से भर दिए हैं, तो ये तो खैर मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ ये पता है कि जो है ना, और इससे भी कतई नजर के हमारी जो झूठ है वो शुआर बन चुका है, और इसमें मैं तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स के तहरीक इंसाफ जो है उसको इसमें जो मलका आता है ना खुद में, जिसने कि जो सोशल मीडिया ने हमें एक अकाया हुआ है, सताया हुआ है या एक जिच किया हुआ है, इसके गलत बयानी चाहिए कि मैं तो सोशल मीडिया पे हर बंदे का एक ट्रस्ट और वो लोग और भी वजूहत हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि हम जान बूझ के हर बंदे के खिलाफ झूठ फैलाते हैं। लेकिन आप ये जहन में रखें कि 2024 को के इलेक्शन को जब आड़े हाथों लेंगे जो राइटली लेंगे तो फिर 2018 के इलेक्शन को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बेशक ये ऐसी है कि जब कल खत लिख रहे हैं डॉक्टर चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब को और कह रहे हैं आपके साथ बड़ी रियासत है बड़ी शक्ति की और आपके आप तो खुद इसका शिकार हो चुके हैं, आपके साथ रेफरेंस दिया, मुझे समझ नहीं आती कि यार वो कहते हैं ना एक लफ्ज है उत्सवा, मुझे आप नहीं समझ आती कि क्या वो कहते हैं कि वन गॉट टू हैव चीक्स टू टेल दिस थिंग, आप एक वजीर आजम का राइट है, उसने रेफरेंस भेजा, प्रेसिडेंट ने उसकी ड्यू डिलीजेंस करनी थी,
और फिर आगे फॉरवर्ड करना था, उन्हें फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद दोनों ने असर्टिवली इंटरव्यू दे कहा कि हाँ हमने सब कुछ किया है। अब बरात ले ले, सीबीआर में चीफ जस्टिस की आप 2002 से उसकी टैक्स जो है वो सारी की सारी जांच पड़ताल की, और उसकी बीवी बेचारों को जो धक्के खाने पड़े एफबीआर के अंदर या एफडीआर जो भी है हमारे से। तो मैं ये सिर्फ ये साइटेशन इसलिए दे रहा हूं कि आपके पास, आप जब कहते हो ना ये सारी बातें, तो उसमें सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आप माफी मांग लें। इमरान खान साहब मैं हूं तो फर्ज किया जाए, और मेरी कोई मोरालिटी है या जो लीडरशिप हमने देखी थी कादी आजम मोहम्मद अली जनाह में, मैं हकीकत कहता हूं कि ये वो कहते हैं जी 2018 भी खोल लो 2024 भी, ठीक, क्योंकि वो तो इमरान खान ने नहीं कराए ना, 2024 से नवाज शरीफ ने कराए हैं। और मैं कहता हूं कि जब आप दोनों को खोलें, दोनों कार्बन कॉपी है, 2024 कार्बन कॉपी चूंकि थोड़ी बदतर होती है, तो जाहिर है उसके अंदर उसके मजीद वो चीज कई चीजें एड ऑन हो गई होगी, लेकिन दोनों के अंदर जो है रिजल्ट को मैनिपुलेट किया गया होगा। लेकिन मैंने अभी इस चीज को नहीं छेड़ा, क्योंकि ये कैसा पंडोरा बॉक्स है कि जिसको सेटल डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन आप इन सारी चीजों के, वो कहता है ना, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आजादी को तू कर ले, उस सनोबर बाग में आजाद भी है पापा गिल भी, तो आप जो कॉन्स्टेंट्स है, जो आपकी कंडीशन है, इसके अंदर देखें कि जो कुछ हो रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम नून ने जो शौकते का है कि मुस्लिम नून ने अपनी सीट जीत रही है, तरीके से अपनी जीत रही है। अगर मुन्ने सिलाई अपसेट कर देते हैं, जीत जाते हैं, तो ये अपसेट होगा क्योंकि 12 ये सीट मुस्लिम नून ने जीती हुई है, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है। तरीके साहब ने जो 2018 के जिमनी इलेक्शन में पिशावर में हार गया, अभी ये दिसंबर जनवरी में बलदियाती इलेक्शन हुआ है, क्लीन स्वीप हुआ है, JUI जीत गई थी पिशावर में, ये 2021 और 2022 की बात है, जनवरी 2022 की। तो मैं समझता हूँ कि देखो ये, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मैंने कह दिया ना, उन्हें कल से कह दिया धांधली होगी, जब 20 सीट जीते थे उन्हें कहा धांधली हुई है, तो अब इसका कोई हल नहीं है। और बिल्कुल सही कहते होंगे, तो फिर आपके पास चॉइस क्या है, या तो आपको जाके इसको तब्दील करें, आपके पास अल्लाह ने बड़ी इमरान खान साहब को पब्लिक सपोर्ट दी है, पब्लिक सपोर्ट बड़ी चीज होती है। मैं जाती तौर पर सर मेरी अपनी इसके बारे में बहुत कॉम्प्रिहेंशन है, मुशाहिदा है, तजर्बा है, मैं उससे कई जो फौजी जो है मार्शल आर्ट के दौर में जो लगाए हुए थे उनके साथ उठक बैठक रही है, और वहां पे एक मैं हमेशा देखा है कि पब्लिक ओपिनियन से वो मैटर करते हैं, उनके लिए बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। मीडिया जो उन्होंने हत्याया होता है हमेशा, हर बंदे ने जो हमारे बड़े जो चंगो जी बिल्कुल ऐसे ही है मेरा ख्याल है, हालात जो पीसीओ के जज, पीसीओ के जजेस होते हैं नसीब में, उनको डरते देखे क्योंकि जज बैठा है कोर्ट में, चाहे वो पीसीओ के जो कुछ आकर भुट्टो साहब की फांसी के वक्त में तो दो जजेस निकाल के दुराब पटेल को, सफदर अली शाह को, और तीन जजेस ने भुट्टो साहब के हक में फैसला दिया था या नहीं दिया था, मेरे नजदीक तो 4-5 डिसीजन था, चार थे और सारे पीसीओ थे, 9 के 9 पीसीओ जजेस थे जी। बात ठीक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं करते आप पाकिस्तान के अंदर इतनी, ठीक है, लेकिन इस वक्त एक ट्रस्ट डेफिसिट है, आप कुछ कर ले पीटीआई को, ये ट्रस्ट डेफिसिट, ये बात आपने बड़ी, ये असल में मेरा ख्याल है न्याय साहब जो इशू है ना ट्रस्ट डेफिसिट का, इन दोनों से पूछते हैं यहाँ के ट्रस्ट डेफिसिट पे क्विकली कमेंट करें कि इसमें से हम निकल सकते हैं नहीं निकल सकते। देखिए ट्रस्ट डेफिसिट दो किस्म का है, एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है इंट्रा पॉलिटिशियंस, ठीक है, और एक ट्रस्ट डेफिसिट है इंटर इंस्टीट्यूशंस। ट्रस्ट डेफिसिट हम अभी तक जितनी भी बहस हुई है, हम जितना भी इमरान खान को पीटीआई को ब्लेम कर लें, नवाज शरीफ नून लीग को ब्लेम कर लें कि हर इलेक्शन के नतीजे को वो कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, कोई हारा हुआ मानता नहीं है, जीते हुए को तस्लीम नहीं करता, ये अपनी जगह, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन का जो सिस्टम है वो अपना ट्रस्ट खो चुका है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, और ये जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर हैं इनके होते हुए जितना ज़्यादा इलेक्शन कमीशन डैमेज हुआ है, इससे पहले शायद मुशर्रफ के दौर में मैं समझता हूँ कि अरशाद हुसैन खान ने जो रिफ्रेंडम कराया था या रेफरेंडम कराया था उससे इतना डैमेज इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ, वो उससे इतना डैमेज नहीं हुआ था, उससे इतना डैमेज नहीं हुआ था क्योंकि सबको पता था एक जर्नैल बैठा हुआ है ऊपर, तो उन्होंने कहा कि भाई जर्नैल में यही होता है। मगर एक तरफ आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, एक तरफ एक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, एक तरफ केयर टेकर सेटअप है कॉन्स्टिट्यूशनल, और उसके अंदर ये 2024 का जो इलेक्शन हुआ है इट्स शेमफुल।
कि तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम जितना पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर लें कि वो मानते नहीं हैं अपनी हार को, मगर वो जो कहते हैं ना कि बुल्स आई यही है कि ये सिस्टम है ही इस काबिल के जिसको पॉलिटिशियन तो क्या हम और आप बैठ के नहीं कह सकते कि इलेक्शन ठीक हुए, पॉलिटिशियन तो बात की बात है ना, हमें बतौर इंटेलिजेंसिया पहले ये मानना पड़ेगा, हमें अपनी राय भी तो देनी चाहिए ना कि हम सिर्फ ये कहते रहे कि इमरान खान कभी नहीं मानेगा, नवाज शरीफ कभी नहीं मानेगा, हमें अपनी राय देनी चाहिए और हमारी राय यही हो सकती है कि ये सिस्टम इस काबिल ही नहीं है कि जिसको इमरान खान जैसे भी या नवाज शरीफ जैसे भी इसके सिस्टम को तस्लीम करें। जी जी फीस ने सब ब्रीफली कहें क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म है। वांट टू क्विकली देखिए मती जो बात करें मैं 100% एग्री करता हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है जो फीडल सिस्टम है जो इमरान खान साहब है आज भी नवाज शरीफ है जरदारी साहब से बात नहीं करना चाहते, जरदारी साहब वगैरह ने या नवाज शरीफ वगैरह ने या शहबाज शरीफ वगैरह ने मामला कहां किया है, वो इमरान खान साहब से किया है। अब मैं ये नहीं कहता हूं किसको ब्लेम करे, लेकिन आप देखें कि आज के दिन हम इतने आपके पास जो मोतबर बंदे बैठे हैं मती जैसे और फिर शौकत राजा साहब जैसे फिर आपकी अपनी शख्सियत है, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने एक लम्हा भी जेस्चर दिया कि मैं ऐसे दारू अच्छा ठीक है ठीक है आपका आई गॉट योर पॉइंट जिम, आपका पॉइंट आ गया मुझे मुझे शौकत के पास इस चीज से जाने दे जी, आई हैव गॉट योर पॉइंट। देखें शौकत इस पे कंक्लूड करते हैं, ये सवाल तो ये ना कि ये जो मती कह रहे हैं अपनी जगह ठीक है कि भाई एक एस्टेब्लिशमेंट का तारीखी रोल है कि हर चीज़ सबवर्ट हर चीज़ रहा एक रोल, तो अब ये बताएं कि यहाँ बैठ के राणा सनाउल्ला साहब ने कल कहा कि जिम्मेदारी बनती है सियासतदानों की, क्योंकि अगर ठीक करना है, ये बहुत से लोग हैं मतलब यू बीन सेइंग बहुत लोग कहते रहे अगर ठीक करना है तो सियासतदान ही ठीक करेंगे, तो और ये कह देना कि इमरान खान तो कोई बात नहीं मानता, लेकिन कोई सीरियस प्रपोजल तो नहीं आया ना सामने सियासतदानों से, इस पर आप जरा कमेंट करें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने आपने, के लिए आपने दुरुस्त कहा कि हिस्टोरिकली रोल रहा है, लेकिन हिस्टोरिकली फिर भी लोग बैठ के बातचीत करते रहे थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपके मुल्क में हुआ है ना, बिल्कुल 90s की कॉन्फ्रंटेशन देख लें और उसके तनाजुर में जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया वो विल थी ना। जो न्याजी साहब बात कर रहे हैं उसमें बहुत वजन है, यानी वो इलेक्शन हुआ अभी जोड़ तोड़ हो रहा था, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा था, अंदर से जेल से पैगाम आ गया कि ना हम पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाएंगे ना हम नून लीग से हाथ मिलाएंगे, तो फिर आप किससे हाथ मिलाएंगे? बड़ी पार्टी तो अब भी पीटीआई है ना पार्लियामेंट में, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नाम ले लें जो कहें, मैं तो पीटीआई कहता हूँ कि दे आर जेन्युइनली पीटीआई पीपल, ठीक है। बड़ी पार्टी जब ये कह दे कि हम तो किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर आप क्या उस पार्लियामेंट का जो वजूद है उससे इनकारी हैं जिसमें आपने इतने बंदे भेज दिए हैं? आपने केपी गवर्नमेंट तो चला ली ना, यहाँ आप एक ओथ उठाने आती हैं आसफा भुट्टो दरदारी, आप उसके खिलाफ हंगामा कर देते हैं, सदर का खिताब होता है हमने पहली बार देखा, अंदर सिगरेट भी पिए जा रहे हैं अंदर सीटियाँ भी बजाई जा रही हैं, स्पीकर को सरदार अयाज सादिक जैसे धीमे मदाज के स्पीकर को बैन करना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी, वो उनकी जिम्मेदारी है। मेरा बस इतना ही कहना है कि कोई सीरियस प्रपोजल आना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को स्टेट्समैन बनने की जरूरत है, चीज को इनिशिएट करने की जरूरत है। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन इसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।